तो वहीं OCC पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सरकार से आर पार के मूड में है। इदारे ने एक लिंक जारी करके लोगों से इस कानून पर राय मांगी है। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा है कि यूसीसी मुसलमानों को कबूल नहीं है। और क्या कुछ रिपोर्ट में लिखी है। बीस जुलाई ही वो तारीख हो सकती है जब कॉमन सिविल कोड यानी UCC लागू करने की तरफ मुल्क की पार्लियामेंट का पहला कदम बढ़ेगा। UCC की मुनादी किसी और ने नहीं बल्कि खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग जो पसमंदा मुसलमान है उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता, उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। पीएम मोदी के इसी बयान के बाद से ही UCC पर जमकर सियासत का दौर शुरू हो गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जारी तनाजे के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बकायदा लेटर जारी किया है। इस खत में लोगों से यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालफत करने की अपील की गई है। लेटर के मुताबिक मुल्क में कॉमन सिविल कोड को लागू करने का माहौल बनाया जा रहा है। अलग अलग मजहब और कल्चर वाले मुल्क को UCC के जरिए मजहबी और कल्चरल आजादी पर चोट पहुंचाई जा रही है। कोई भी मुसलमान इस बात को पसंद नहीं करता कि हमें अपनी शरीयत पर अमल करने से रोका जाए, इस वजह से इसकी मुखालफत हो रही है। और जनरल सेक्रेटरी साहब ने एक सर्कुलर जारी करके आवाम से ये अपील की और एक लिंक जारी किया है कि उसके थ्रू लॉ कमीशन तक अपनी बात ईमेल से बआसानी पहुँचाई जा सकती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस बयान के जवाब में BJP की तरफ से मरकजी रियासती वजीर खजाना पंकज चौधरी ने महा संभाला और कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड शुरुआत से BJP का एजेंडा रहा है और सबकी राय शुमारी के बाद ही इसे नाफिज किया जाएगा।